नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में वह चिड़िया जो कविता का पहला स्टैंजा पढ़ा था, ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर ये वाला जो पाठ था हमने पढ़ा था। आगे अब हम इसके दूसरे स्टैंजा को आज पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात आप लोगों को याद दिला दूँ, मैंने पिछले कक्षा में आप लोगों को एक कार्य दिया था। मैंने कहा था कि मैंने आप लोगों को कुछ शब्दार्थ दिए थे, उनको आपको याद करना है और उनके उनसे कुछ वाक्यों को बनाने की कोशिश करनी है। तो आशा है आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले स स्वर वाचन, ठीक है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो क्या बोल रहे हैं कि वो चिड़िया कैसी है कि हम जानते हैं, अभी वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। तो वो कहती है कि तेज और मधुर स्वर में मैं गाने वाली वो चिड़िया हूँ, मैं छोटी मुंह बोली यानी कि मैं सबकी चिर परिचित हूँ, मुझे विजय यानी एकांत से बहुत प्यार है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि जो है मानव स्वभाव को हमें दर्शाना चाहते हैं। तो ये चिड़िया तो नीले पंखों वाली है, वो मधुर स्वर में गाती है, सबकी चिर परिचित भी है और उसे एकांत पसंद है। लेकिन दरअसल बात यह है कि मानव स्वभाव रूपी यह चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। यानी कवि हम पाठकों को हमको क्या संदेश देते हैं कि हमें क्या करना है, इस चिड़िया की तरह ही जो है प्रकृति से प्रेम करना है। आज अगर प्रकृति हरी भरी है, खुशहाल है, प्रदूषण रहित है तो हम सभी स्वस्थ हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकृति से प्रेम करना है और हमको एकांत में भी प्रसन्न रहना है, प्रसन्न चित्त रहकर एकांत को भी अनुभव करना है, ठीक है। तो इसका जो शब्दार्थ है हम लोग करते हैं शब्द अर्थ, लेकिन वही बात याद करना है आपको, क्या करना है आप लोगों को वाक्य सोच कर रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला है कण, ये दूसरा भाग है हमारा। कंठ का अर्थ होता है गला। वन बाकी रह जाता है, तो इसको आज
आज हम पढ़ के इस कविता को खत्म करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या बोल रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार, चिड़िया की चोंच होती है, ठीक है, चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल, इसका अर्थ क्या है कि ये जो नीले पंखों वाली चिड़िया है ये कहती है मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ जो उफनती नदी के पानी के बूंद रूपी मोती को अपने चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ। उफनती नदी के पानी के बूंद रूपी, पानी की जो हर एक बूंद होती है उस बूंद रूपी मोती को अपने चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ। मुझे अपने इस साहस पर, ये जो मैं साहस नुमा कार्य करके दिखाती हूँ इस पर बहुत ही गर्व है, ठीक है, मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो फिर वही बात, कवि ने हमको यहाँ पर भी कुछ संदेश देना चाहा है हम इंसानों के लिए कि इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। अभी देखिए हम लोगों के चारों जो परिस्थिति है, ये कोरोना का जो संक्रमण हो रखा है इससे हमारी परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। देखिए उस हालत में भी विद्यालय ने ये तकल्लुफ किए कि आप तक किताबें पहुंचाई और हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या हमने हिम्मत हारी है? आगे भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और इसको हरा करके फिर से विद्यालय में उपस्थित होना है। तो इसी तरह से कवि ने भी हमको संदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी है। और नदी से प्रेम करना हमको क्या संदेश देता है कि नदी जो है ये हमारी प्राचीनकालीन सभ्यताओं के विकास में सहायक रही है, तो नदी हमेशा से ही हमारी सहायक रही है, तो इस नदी से भी प्रेम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसके भी शब्दार्थ लिखकर इस पाठ को खत्म करते हैं और अगली कक्षा में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग 3 नंबर लिख लीजिए। यदि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब आप तक तुरंत पहुंचा देंगे। नंबर 1, चढ़ी नदी, चढ़ी नदी यानी उफनती नदी। जल का अर्थ है पानी, ये हम ले रहे हैं टटोल कर, टटोल कर यानी खोज कर। वाक्य निर्माण करने की कोशिश करेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अपनी डिफिकल्टीज को, अपनी परेशानियों को हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद।